Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Banking FD. इस सेट के अंदर जैसे कि इससे पहले भी एक सेट शुरू है कंटिन्यू है और अभी उसका नेक्स्ट पोर्शन है, तो इसके अंदर हम जो है पीएमएस का जनरल नॉलेज का पेपर 2019 जो है उसको डिस्कस कर रहे थे। डिपार्टमेंट पंजाब आरपीपीएससी जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इस एग्जाम को कंडक्ट करता है और ये हम पंजाब का पीएमएस का जो पेपर है उसको जनरल नॉलेज का उसको डिस्कस कर रहे थे। ये बाकी चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दी थी कि आपने किस तरह डील करना है इस चीज को। फर्स्ट जो इससे पहले वाला जो था सेट उसके अंदर अभी मैं लाइट सब करता हूँ कि दो पोर्शन है, एक विदाउट एक्सप्लेनेशन हो रहा है थोड़ी डीपली एक्सप्लेन। अभी के जो वाला मैं डिस्कस कर रहा हूँ यह फुली डीपली एक्सप्लेन। इसके लिए आप विदाउट एक्सप्लेनेशन का जो है उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया है, अगर आप उसको सुनना चाहें लेक्चर को तो आप सुन सकते हैं। नॉलेज के ऊपर इस तरह से हमने प्रोवाइड किया हुआ है। मैं आपने सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और लाइक करना है। सजेशन आप दे सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। ऑटोमेटिक के अंदर अगर इम्प्रूवमेंट के लिए भी देनी है तो वो भी आप दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि कोई और पेपर जो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप बता सकते हैं कमेंट के अंदर, हम उसको भी सॉर्ट आउट कर देंगे। हाँ जी, तो एक चीज और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस होते हैं दे लिंक डायरेक्टली विद डेट्स, तो आपने डेट का ध्यान रखना है। पेपर रिकॉर्डिंग की डेट है ये अगस्त 2022, तो अभी जो करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम डिस्कस करेंगे अगस्त 2022 के हिसाब से। और अगर इसके अलावा आप किसी और डेट में ये क्वेश्चन पेपर जो है ये लेक्चर सुनते हैं तो आपको फिर करंट अफेयर वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा और उस टाइम के मुताबिक इसको अपडेट करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बहुत दफा पीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, मैनी टाइम्स ये क्वेश्चन जो है ये आ चुका है बहुत सारे पेपर्स के अंदर। तो जाहिद हुसैन जो है वो फर्स्ट थे गवर्नर जनरल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। जैसे ही पाकिस्तान बनता है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी बनता है, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? जाहिद हुसैन। इसको आपने अपने जहन में बैठा लेना है, ये बहुत दफा पीपीएससी में पूछा जा चुका है। अब इसको थोड़ा सा और मैं जो बोल्ड वर्ड जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डीपली का मतलब ये बोल्ड वर्ड यहाँ पे है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है और गवर्नर जनरल है, ये दो वर्ड है हमारे, गवर्नर जनरल ऑफ स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब इन दोनों को मैं थोड़ा सा लाइट सा आपको एक्सप्लेन करूंगा पीपीएससी के पॉइंट से। वैसे बताने को बहुत कुछ है मगर हम सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे। वन पेपर जो जीके का पेपर जनरल नॉलेज का पेपर होता है वो पीपीएससी ले ले, एमपीएससी ले ले, एनटीएस ले ले, कोई भी ले ले, एनटीएस ले ले, आपका पंजाब अपना सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ले ले, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ले ले, दे विल नॉट चेंज। तो ये तकरीबन जनरल नॉलेज के पेपर यही कहते हैं, यही क्वेश्चन कहते हैं। तो आपने अब देखना स्टेट बैंक, पहले तो ये कि पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये कब बना? फाउंडेड 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बना और उसका हेडक्वार्टर जो है कराची में है। बैंक के मोस्टली हेडक्वार्टर कराची में है और इसका भी हेडक्वार्टर कराची में। और ये कब बना दैट इज आस्क मैनी टाइम्स, बहुत दफा पूछा गया कब बना, पहला कौन सा था और करंट कौन सा था, ये भी पूछा जाता है। अब जो 20 था वो था रजा बाकिर, ठीक हो गया, और करंट उसका नंबर था 20। और अभी करंटली जो चल रहा है वो मुर्तजा सईद 6 मई 2022 से, लेकिन ये एक्टिंग है। अब इसके बारे में आगे जो भी लेटेस्ट आएगी चीज वो बाद में बता दी जाएगी, या आपने खुद से देखना जिस दिन आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वक्त कौन बैठा है और उसका नंबर क्या है, कितना नंबर है। टर्म 20 तो आपको हमने बता दिया, दैट इज कन्फर्म, दैट इज 20। अब ये 21 में आता है या नहीं आता, इसको परमानेंट कहते हैं क्या कहते हैं इसका, दैट इज अ सेपरेट इशू। और दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि पाकिस्तान का जो फिस्कल ईयर है, फिस्कल ईयर आप कह रहे हैं माली हिसाब किताब करने का, जो पैसे आए कितने गए कितने, उसका जो हिसाब किताब किया जाता है फिस्कल ईयर कितने हिसाब दिनों का हिसाब किया जाता है। तो फिस्कल ईयर जो पाकिस्तान का है वो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है, यानी कि जो आपका 7वां महीना होता है वहां से शुरू होता है आपका फिस्कल ईयर। तो फिस्कल ईयर कब शुरू होता है पाकिस्तान में? दैट इज 1 जुलाई एंड 13 जून। अब इसमें होता क्या है कि जो जितनी भी कंपनीज होती हैं उनको टाइम दिया जाता है ईच ईयर कि वो 31 दिसंबर तक जो है आपने इनकम टैक्स फाइल करें किसके, पिछले साल के। और पिछला साल क्या होता है 1 जुलाई टू 30 जून, यानी कि 1 जुलाई टू 30 जून तक दे दिया टाइम, और 30 जून से लेकर 31 दिसंबर तक वो क्या करते हैं पिछला हिसाब देते हैं 1 जुलाई का
से लेकर 30 जून तक का। तो आपने इसमें यहाँ जो चीजें चीजें रखनी है वो ये है, एक तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सेंट्रल बैंक है और पैर बना वो भी अपने जेन में रखना है, और फिस्कल ईयर इसका कौन सा है ये भी आपने एक चीज में जेन में रखनी है, और रजा बाकर 20 का और करंटली कौन सा है। इस किस्म के क्वेश्चन को आपसे, ये तो वो है जो पूछे जा चुके हैं, नेक्स्ट को नहीं है वो उसके डायमेंशन निकाल सेपरेट इशू, लेकिन कम से कम आपको ये जरूर आना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट है जी कुर्त वेल्डहिम वाज एन ऑस्ट्रियन डिप्लोमेट एंड स्टेटमैन हु सर्व टू टर्म्स, कितने टर्म्स, टू टर्म्स एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब वो पूछता है कि ये टू टर्म रहा था तो कितनावा नंबर था इसका, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, कौन कुर्त वेल्डहिम का ये दो दफा रहा है तो कितनावा नंबर था, तो इसका आंसर क्या है जी फोर्थ टर्म, यानी कि चौथा जो था फोर्थ जो था यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल वो कौन था, कुर्त वेल्डहिम, और दो टर्म इसने गुजारी है, दो टर्म सुना के पहले एक दफा और उसके बाद दूसरी दफा, और ये ऑस्ट्रियन डिप्लोमेट था, ऑस्ट्रिया यूरोप के अंदर एक मुल्क है उसका नाम है ऑस्ट्रिया, और स्टेटमैन था, और दूसरा ये सेक्रेटरी जनरल किसका रहा, यूनाइटेड नेशंस का। यहाँ तक क्लैरिटी आ गई, अब आगे चलते हैं। अभी जो प्रेजेंटली है करंट सेक्रेटरी जनरल उसका नाम है अंतोनियो गुटरेस, ठीक हो गया, एक चीज ये, और ये क्वेश्चन मैनी टाइम्स आप जितना मर्जी आप इसको कह लेना शायद ही को पेपर हो जो इनके बगैर बन जाता अपने आप पर सर्विस मिशन पहले करना पड़ेगा। तो ये आपने याद रखना है कि अंतोनियो गुटरेस जो है वो प्रेजेंटली अभी जो है वो है, और अभी ये कितना है इसका नंबर, कितना है, नाइन्थ नंबर है इसका, कितना नंबर है, नामा नंबर है सेक्रेटरी जनरल, एज ए सेक्रेटरी जनरल। इससे पहले ये क्या करता था, इससे पहले ये था ये पोर्टुगल सोशलिस्ट पार्टी प्राइम मिनिस्टर था पोर्टुगल का 1995 से लेकर 2020 तक, ये क्या था, प्राइम मिनिस्टर था पोर्टुगल का। और ये भी पूछा जा चुका है जब ये नया नया आया था ना 2017 के अंदर, तो डैट टाइम क्वेश्चन आया था कि ये जो थे जो अभी आए हैं अंटोनियो गुटरेस इससे पहले ये क्या करते थे, इससे पहले ये क्या थे, तो डैट टाइम जो था ये इसे उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया गया, ये प्राइम मिनिस्टर थे, अभी भी पूछा जा सकता है, दोबारा क्यों पूछ सकता है। तो आपने जहन में रखना है कोई भी बंदा किसी भी अच्छी पोस्ट के ऊपर जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मानी जाती है तो उसका वो पूछ लेते हैं कि इससे पहले ये क्या करता, तो आपको उसके बारे में इलम होना चाहिए। अब यहाँ पे एक और चीज, पहला कौन था, फर्स्ट कौन था, ट्राइगेट लाइक, तो ये नॉर्वे से बिलोंग करते थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैं सिर्फ वो डिस्कस कर रहा हूँ जो पूछे गए हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए, काफी हद तक कि मैं अपने पेपर को तैयार किस तरह से करना है। अब यहाँ पे लफज मैंने बोला था पोर्टुगल, अब पोर्टुगल मैं आपको दिखा दूँ, आपका जहन थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, खासतौर पर जो नए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए काफी मुश्किल होती है क्योंकि हर बंदे ने मैप पहले नहीं पढ़ा होता, कई साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं तो वो तो बिल्कुल ही अननोन होते हैं इन चीज़ों से, क्योंकि मैं खुद साइंस से था तो दैट्स व्हाई आई फील लॉट ऑफ आप कहने के मुश्किल का सामना करना पड़ता है जब आपको सोशल साइंसेस पढ़नी पड़ती हैं। तो पोर्टुगल ये रहा जी आपका यूरोप, ठीक है, यूरोप के अंदर ये यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, स्पेन है, और ये आपका पोर्टुगल, और ये लिस्बन इसका कैपिटल है, और यहाँ पर ये अफ्रीका की हदूद शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे आपके लिए भी एक मैं क्वेश्चन छोड़ने जा रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ये वाला जो ये मैंने जो आयो का निशाना बनाया है जो स्पेन और मोरक्को के दरमियान ये है, इसको किसका क्या नाम है, इस चैनल को क्या कहते हैं, तो आपने मुझे कमेंट के अंदर आंसर देना है। अच्छा पोर्टुगल का क्लियर हो गया, पोर्टुगल की लोकेशन आपको क्लियर होगी। अब ये मैंने आपको बता दिया सेक्रेटरी जनरल के बारे में यूनाइटेड नेशंस के, और उसके बाद मैंने पोर्टुगल का आपको बता दिया। अब यूनाइटेड नेशंस इसके बाद एक बड़ा अहम टॉपिक है, इसके बगैर तो पेपर बन ही नहीं सकता यूनाइटेड नेशंस के बगैर, इसको मैं उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन यहाँ पर एक और भी चीज़ है पोर्टुगल की जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और जो कि बहुत दफ़ा पूछी जा चुकी है, तो मैं कोशिश करूँगा उसको भी साथ ही आपको बता दूँ। वो क्या है, वो है जी वास्को डा गामा। अब ये वास्को डा गामा के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है, अब ये वास्को डा गामा कौन था, आपको सादा सा बता दूँ कि वास्को डा गामा जो है 15वीं सेंचुरी के अंदर इसने क्या किया था, ये पोर्टुगल से चला बहरी रास्ता इसने तलाश किया इंडिया तक, अचीवमेंट कि ये पोर्टुगल से चला यहाँ से, पोर्टुगल से यहाँ से चला और ये यहाँ से होता हुआ ये आप अफ्रीका के
गिर्द घूमता 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 ये कहाँ चला गया, ये यहाँ इंडिया पहुंच। और उसके बाद जो यूरोप था, यूरोप के जो आप कह सकते हैं कि रिलेशंस डेवलप हुए, तजारती तल्लुकात इंडिया के उसके बाद इसके बाद डेवलप हुए। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लैरिटी आ गई कि ये रूट एक जो था इसने ढूंढ लिया पोर्टुगल से लेकर कहाँ तक इंडिया तक। और ये काम किसने किया था, ये काम किया था आपके वस्कुडा गामा ने। तो ये वस्कुडा गामा जो है बहुत दफा पूछा जा चुका है कि किसने ये जो रूट जो है ये डिस्कवर किया था फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, किसने किया था, वास्कोडा गामा ने, द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाय सी। अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ी दफा पूछा गया है, इसको आपने अपने जहन में बैठा लेना है। इसके मुताबिक, इसके अलावा इसके बारे में अगर आप कुछ और पढ़ना पढ़ लें तो वो बहुत अच्छी बात है, वरना इतना जरूर आपने याद रखना है। अब हुआ क्या, 1497 तो ये लफ्ज जो होते हैं वो वेज, इसका मतलब होता है जर्नी, 7 साल बाद में जर्नी इसको कहते हैं, और जर्नी का मतलब आपको पता है सफर करना। तो 1497 से 1502 में वो कॉमा लैंडेड पर ट्रेडेड प्रोपोलिस। पहले ये क्या करता था, यहाँ पर तक्षक आता था, यहाँ से आता था और यहाँ से चला, और ये जो अफ्रीका के इतने के लोग हैं इनसे तो जाकर की थी और वापस चला गया। लेकिन उसके बाद फिर ये आगे चला गया, यहाँ भी यहाँ से चला गया। वो इनमें इंडिया में कभी आया, मई 20 1948 में। और ये मलेरिया की वजह से इसकी डेथ होगी, ये नहीं पूछा था पेपर में, लेकिन ये मैंने फिर बता दिया, कहीं पूछ ही ना ले, वो पता कोई नहीं होता। तो ये कंट्रैक्ट जो इसकी जो थी ना, मलेरिया की वजह से इसकी डेथ हुई है 1524 में। ये अभी तक नहीं पूछा, मे भी किसी पेपर में पूछा हो और मैं उस पेपर में ना बैठा हूँ या मुझे ना पता हो, लेकिन इतना जो है ऊपर वाला जो है ये बहुत दफा पूछा गया है। तो आपने ये अपने जहन में रख लेना है। अब वास्कोडा गामा और एंटोनियो गुटेरेस जो मैंने कहा सेक्रेटरी जनरल है, ये एक ही मुल्क से तल्लक रखते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी जनरल है उसके बारे में उस रिलेटेड रिलेटेड सारा कुछ ऑलमोस्ट बता दिया है, और भी आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आप आगे चलते हैं यूनाइटेड नेशन की तरफ। यूनाइटेड नेशंस का हल्का सा आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस के बारे में जो क्वेश्चन वो पूछता है, वैसे तो बहुत सारे पूछ लेता है, लेकिन जो उसने कई दफा पूछे हैं मैं वो बताऊंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने किस तरीके से पेपर को तैयार करना है। यूनाइटेड नेशंस को अभी मैं जो बताने लगा हूँ, ये जिस जो एमसीक्यू टाइप पेपर्स है ना उनके हवाले से आपको बताऊंगा। जब मैं लेक्चर्स अपलोड करूंगा सीएसएस वालों के लिए या बीएमएस, स्पेशली सीएसएस वालों का जो करंट अफेयर का पेपर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, देन आई विल एक्सप्लेन दिस यूनाइटेड नेशंस इन अ डिफरेंट वे। तो अभी सिर्फ एमसीक्यू टाइप के हवाले से मैं इसको बताऊंगा कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो क्या है। पहले तो आप जहन में रख लें कि वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म होती है, ठीक है ना, वर्ल्ड वॉर 2, तो उसके बाद ये सारी चीजें जो है ये आती हैं, उनमें एक है यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशन जो है इसकी अपने डेट को रटा लगा लेना, याद कर लेना जैसे मर्जी करें, 24th of October 1945 ये पूछेगी जब बहुत दफा। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस 6 हैं, और अभी जो प्रेजेंटली 2022 में मैं अगर बताऊं तो अभी जो है इसके 193 मेंबर्स हैं और इसके 2 ऑब्जर्वर हैं। अब ये जो 2 ऑब्जर्वर हैं इसके अंदर आपको मैं बता दूं कि एक है पैलेस्टीन पैलेस्टीन अथॉरिटी है, और दूसरा है वेटिकन सिटी, आप कह लें, या उसको वेटिकन सिटी वैसे तो बोला जाता है, और वैसे उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो किया जाता है होली। ये SEE है, समुंदर वाला सी नहीं है, वो SEE होता है, ठीक है ना, ये होली सी है। अभी ये समझ लें कि एक टाइप ऑफ आप कह लें कि गवर्नमेंट है जिसका नाम उन्होंने रखा हुआ, ये वेटिकन सिटी जो है। वेटिकन सिटी का मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी राइट साहब को बता दूं कि वेटिकन सिटी यूरोप के अंदर, यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर एक अपना कंट्री है रोम, रोम के अंदर एक जगह है वेटिकन सिटी, एक चारद्वारी है, वहां पे पीएसजे हैं, और वहां पे जिनका पोप बैठता है, ईसाइयों का जो गलत गिरजाघरों का जो मेन हेड है वहां पे बैठता है, और उसको उन्होंने कनाडा से कहने के एक स्टेट का नाम दिया हुआ वेटिकन सिटी। ठीक हो गया, अभी बल्कि मैं अभी आपको बता दूं, अभी क्योंकि मैं आज जो 2022 के अंदर मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यस्टरडे FIA का पेपर हुआ है, इंस्पेक्टर का, FPA इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है, FPSC के फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंडक्ट किया है। तो
उन्होंने पूछा है कि कौन सा जो कंट्री है वो यूएनओ का मेंबर नहीं है, और नीचे ऑप्शंस में जो था वो वेटिकन सिटी की ऑप्शन अवेलेबल थी। यानी कि ये क्वेश्चन अभी पूछा है, यस्टरडे जो पेपर हुआ है पर ये का उस दिन इंस्पेक्टर का, अगर किसी ने दिया है तो वैलेंट को उसको पता होगा। तो इस तरह से यानी कि वो क्वेश्चन पूछता है, तो आपको थोड़ा सा डीपली चीजों को देखना पड़ेगा। मोस्टली अक्सर बच्चे जो पार्ट टू अटेम्प्ट के जरिए में यही होता है कि नॉर्थ कोरिया जो होगा ना वो नहीं होगा यूएनओ का मेंबर, लेकिन नॉर्थ कोरिया यूएनओ का मेंबर है, ठीक है ना, ये आपने ध्यान में रखना। जैसे भी उसके ताल्लुकात हैं वर्ल्ड के साथ, बट ही इज मेंबर ऑफ यूएनओ। यूएनओ का मेंबर जो नहीं है क्योंकि ये ऑब्जर्वर है, अभी मेंबर फॉर टोटली नहीं बने। 193 मेंबर्स हैं और प्लस 2 ऑब्जर्वर हैं, उनमें मैंने बता दिया एक तो फलस्तीन अथॉरिटी है और एक वेटिकन जो है वो सिटी है। अब फलस्तीन और वेटिकन क्यों नहीं है, ये एक लेटर टेल है, ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, वो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सीएसएस वाले के लिए बताऊंगा। अच्छा, अब यूएनओ के जो ऑर्गन्स कितने हैं, जो मेन ऑर्गन्स हैं वो कितने हैं, अब आ जाते हैं उसकी तरफ। अब नेक्स्ट आ जाते हैं जो यूएनओ के मेन ऑर्गन्स, यूएनओ के जो ऑर्गन्स हैं वो कितने हैं। जी हाँ, 6 मेन ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना, और ये 1945 पे एस्टैब्लिश होगी, यहाँ तक क्लैरिटी आ गई। अब इन 6 ऑर्गन्स के आपने नाम क्या है, जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है एंड सेक्रेटेरियट है। अब इसमें हर एक के लिए बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन जब जब इनका क्वेश्चन के रिटर्न आएंगे तब तक मैं इनको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। बाकी मोटा सा बता दो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल जो है वीटो पावर इसके अंदर होती है, बस इतना आप ध्यान रखते हैं कि इसके 15 टोटल मेंबर होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उनमें से 5 परमानेंट होते हैं और उन 5 पर्सनों की वीटो होती है। अब वीटो क्या होती है, सादा सा बता देता हूँ। वीटो ये होती है कि एक काम करना है, फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान पे अटैक करना है जी, ठीक है, तो वहाँ पे वो 5 मुल्क कहते हैं, अगर एक ही मुल्क कह देगा नहीं करना ये गलत है, तो वो नहीं, वो जो लीगली तौर पे जो है वो चीज़ जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। बाकी कोई ज़बरदस्ती करे तो दैट्स अ सेपरेट इशू, आपकी आसानी के लिए बस। अभी जो एक चीज़ यहाँ पे और बताने वाली है वो ये है कि जो है ट्रस्टशिप काउंसिल, जो ट्रस्टशिप काउंसिल है ये वन इसका जो ऑर्गन है, जो पहले 6 ऑर्गन था और ये बड़ा अहम रोल अदा करता था डीकोलोनाइजेशन के अंदर, ठीक है ना, तो इसको क्या किया, इसको सस्पेंड कर दिया गया है इन 1994 के अंदर। 1994 के अंदर इसको, इसके जो ऑपरेशन है उनको सस्पेंड कर दिया गया, बट इट इज नॉट ऑपरेशनल, ठीक है ना, एक्टिव नहीं है, लेकिन इसको डिसॉल्व नहीं किया गया, क्योंकि डिसॉल्व ये तब तक नहीं होगा जब यूएनओ का चार्टर उसमें अमेंडमेंट नहीं की जाएगी। तो जो यूएनओ का चार्टर बना हुआ ना, अब उसके मुताबिक जो है, अब यूएनओ का चार्टर सेपरेट जो है डिस्कशन है, इसके अंदर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन जब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा फ्यूचर में तो मैं फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी के लिए इतना बता दूं कि ये आपने ये जहन में रखना है कि जो ट्रस्टशिप काउंसिल है इन 5-6 में से एक ऑर्गन जो है दैट इज नो नॉट एक्टिव नॉट ऑपरेशनल, और ये सिंस 1994 से है, और ये अभी तक डिसॉल्व क्यों नहीं किया गया, इसको प्रॉपरली क्यों नहीं हम कहते हैं कि 5 ऑर्गन है, इसलिए क्योंकि इसके लिए अमेंडमेंट्स की जरूरत है यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के अंदर, जो कि अभी तक नहीं हुई। तो जब अमेंडमेंट्स की जाएंगी तब इसको जो है ये डिसॉल्व कर दिया जाएगा। अब आगे चलते हैं जी, आगे है जी क्वेश्चन जो जनरल असेंबली, अभी जो आपने डिस्कस किया ये ऑर्गन जनरल असेंबली का पहले वाला, तो इसी से रिलेटेड है जी, जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल दोनों का नाम आ गया, पहला ये था दूसरा ये सिक्योरिटी काउंसिल था। लेट द जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर द पीरियड ऑफ 9 ईयर्स, 9 साल के लिए किसको, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो है उनको, इंटरनेशनल कोर्ट इस कंप्राइज ऑफ कितने जजेस उसके अंदर मौजूद होते हैं, तो इसका आंसर आपने कमेंट में बताना है, ठीक है ना, और इसको मैं नेक्स्ट सेट के अंदर जो है इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही काफी है, तो आपने इसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और इसको शेयर करना है, लेक्चर को कमेंट करने हैं और लाइक करना है, नेसेसरी समझ में आ इसको। हाँ, अगर आपको समझते हैं कि क्या कहते हैं नीड एनी इम्प्रूवमेंट, और अगर आप समझते हैं कि कोई और लेक्चर क्वेश्चन पेपर जो है जो आप समझते हैं कि आपको एक्सप्लेन मैं करूँ, तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।